हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी हमने पुराना व्लॉग क्लोज किया इसी जगह पे बैठ के, और क्या हुआ कि उसके बाद हम जो गिफ्ट आया उसका बहुत एक्साइटमेंट से वेट कर रहे थे कि ओपन करें। वो छोटे बच्चे के लिए है लेकिन मुझे ही बहुत पसंद है वैसे गिफ्ट। ठीक है, उसे खोल के दिखाते हैं कि गिफ्ट में क्या है, और उसके बाद आज जाएंगे उसकी बर्थडे पार्टी में छोटे बच्चे की। मैं थोड़ा बहुत व्लॉग करेंगे, ज्यादा बड़ा व्लॉग नहीं होगा, होपफुली थोड़ा बहुत। और थोड़ा आप व्लॉग करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास गोप्रो नहीं है, तो गोप्रो हेलमेट पे लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमें बाइक वाइक चलानी पड़ेगी। गाड़ी भी नहीं है तो बाइक से जाएंगे, कोई बात नहीं। बाइक हमने इसी दिनों के लिए रखी थी कि भगवान ना करे मतलब कुछ प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियली कह लो कैसी भी कह लो, तो हमेशा आपका साथ निभाती है, इसलिए मैं उसे सेल भी नहीं करता हूं। हो गया आज की जर्नी बाइक पे। काफी दिनों के बाद में भी मतलब काफी टाइम के बाद यूज करते हैं हम हर बार, तो एक एक्साइटमेंट भी बनी रहती है कि यार बाइक पे बैठ के कैसा लगेगा। डे टू डे में मुझे पता है कि काफी टफ होता है यार बाइक पे ड्राइव करना, मैंने खुद ने ड्राइव किया 3-4 साल, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि धूप में धूप लगती है, बारिश में बारिश लगती है, डीमेरिट्स भी है मेरिट्स भी है। तो हम तो अभी एंटरटेनमेंट पर्पज से यूज करते हैं, हमारे लिए एडवेंचर हो जाता है। ठीक है, जब जब मौका मिलता है कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो यूज कर लेते हैं। तो आज जाएंगे बाइक से और दिखाते हैं आपको गिफ्ट में क्या है। ये है गिफ्ट की ओपनिंग सेरेमनी, आराम से पूरा खोलना मत। अच्छा, ये अलग अलग है, मेरी और दिखा, मेरी गाड़ी टूट गई है तो आज इसी में बैठ के जाएंगे। ये देखो, ऐसे करके चलाऊंगा मैं। और ये देखो, ये है, अभी हमें खुद ही असेंबल करनी है। इस गाड़ी की सबसे अच्छी खासियत है आप खुद ही असेंबल कर सकते हैं। पर हम नहीं करेंगे असेंबल, तो उसके मम्मी पापा करेंगे। मैं कह रहा हूं कि मैं भी अगर ऐसी गाड़ी खरीदूंगा तो खुद असेंबल कर सकता हूं। रिपेयर कर सकते हैं, कहीं सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। हां, और इको फ्रेंडली है ना, तो आपकी जेब पे भारी पड़ेगी ना, पॉल्यूशन करेगी। आप वापस रख लोगे ये सब? हां, और पता है इसमें गाने भी चलते हैं, पता नहीं बैटरी इसकी होगी नहीं होगी इसके साथ। ओ, पीछे के टायर्स लगे हुए हैं। हां, पीछे के तो लगे ना। कितना क्यूट है ये यार, इसकी बैटरी नहीं थी मुझे। कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो कोई बात नहीं, इसमें ना यहाँ पे लाइट जलती है और यहाँ पे इसमें गाने वाने भी बजते हैं। सो गाइस, ये गाड़ी मंगाई है हमने, मैं इसकी वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ आपको। थैंक यू फॉर योर परचेस ऑफ Hyundai Rabbit Ride car, स्टाइलिश बैकरेस्ट, कंफर्टेबल एंड स्टिफ मेन बॉडी। तो गाइस देखिए आप लोगों ने गाड़ी कितनी क्यूट थी, बहुत मस्त थी ना यार, मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी। ऐसी दिखती है? हाँ, वो दिखा दिया। तो बहुत ही कूल है यार, और छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट होता है, लड़कों के लिए खासकर। और इसके अंदर बटन्स हैं, उससे वो गाने वाने चलाएगा बच्चा, जो भी है मजे करेगा। अब बच्चे को लाओ, पहले मैं दिखा के चेक करने का है मेरे को। ऐसे ऋषि का जब हम गिफ्ट लाए थे गन, उसमें से पहले इसने चला चला के उसे देखी मॉल में। So guys, हम लोग रेडी हो चुके हैं। इन्होंने पूरा हमको 1 घंटा लेट कर दिया है। कहना चाहते हो कुछ? 5 बजे हमें पहुंचना था, 5:35 हो रहे हैं और अभी हम निकले नहीं है घर से। निकलना, गिफ्ट पैक किया है निशान मार मार के। ये निशान कैसे आया इतना लंबा सा? और रैपिंग पेपर के साथ साथ कभी सुना है कि नेम स्लिप भी लाते हैं? दो रैपिंग पेपर भी लगाए हैं उसमें, देख लिए एक बार खोल के। जब रैपिंग पेपर खोल खोल के मुझे कौन दे रहा था? मैं दे रहा था, लेकिन तू भी तो देखे उसमें। क्यों देखूं? मैं क्यों देखूं? खैर, हम रेडी हो चुके हैं, फटाफट से निकलते हैं, बाइक से जाना है तो होपफुली टाइम से पहले ही पहुंचेंगे। पर चलो ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे वहाँ पे पहुँच के। गाइस देख लो क्या हाल हो गया है मेरा, मैं अपना मास्क वॉश करना भूल गई, पर ये देखो आपको बढ़िया लग रहा है मेरा नया हेलमेट। ये देखो, मैंने मास्क भी वॉश नहीं किया, हमारे पास गोप्रो नहीं है। हाँ, मास्क नहीं वॉश है, हमारी बाइक वॉश नहीं है। क्या बन के निकले थे घर से और क्या बन गए रास्ते में? ये देखो गाइस, छोटी सी बाइक पे इतना बड़ा गिफ्ट, और हम दो मोटे मोटे इंसान, सबका बैठना बड़ा मुश्किल है एक साथ। A few moments later. फाइनली हम पहुंच गए हैं, बैंड बज गई है हम लोग। दूर है ना, एक तो जहाँ पे हम आए हैं ये बहुत दूर है, ऊपर से इतना ट्रैफिक, और जो कंफर्ट जोन आपका बन जाता है ना एक बार चौड़ी सीट पे आराम से बैठने का, लेकिन ठीक है, मतलब गिफ्ट था तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और इतना दूर था कि हम कैब भी मैंने नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि एक साइड से 1000-1200 रुपये कम से कम लगेंगे, और इतना स्पेंड करना तो अभी ऑलरेडी खर्चा गया हुआ है, वो आएगा उसके बाद पता चलेगा। हाँ, तो चलो चलते हैं, अंदर चलते हैं और देखते हैं। वो कह रहा है नहीं चाहिए मुझे पब्लिसिटी। <आजा,
2 hours later. So guys, birthday party से return आ चुके हैं और बहुत ज्यादा time लग गया क्योंकि रास्ता बहुत दूर था. तो रास्ते में कुछ shoot नहीं किया क्योंकि bike पे यार बहुत risky हो जाता है. Finally आ गए. Journey थोड़ी अच्छी रही, थोड़ा सा adventurous था क्योंकि जाती बार में हमारे पास fuel भी नहीं था. उसके बाद हमने fuel ले लिया तो थोड़ा आराम हो गया. अभी आए हम थोड़ी देर पहले तो मैं चेंज करके बैठ गया. आयुषी अभी freshen up हो रही है. बाइक पे ट्रैवल करने की अब आदत नहीं रही. पहले तो बहुत लंबा लंबा ट्रैवल कर लेता था मैं. 100 किलोमीटर तक भी मैंने ट्रैवल किया अकेले में या फिर किसी दोस्त के साथ जब इंटरेस्टिंग कहीं अगर जा रहे हैं आसपास, मतलब मूर्तल उर्तल टाइम्स अप डाउन करके हो जाता था. लेकिन अभी काफ़ी टाइम से है ना हैबिट छूटी हुई है. तो फिर भी आखिर हुआ है, थोड़ा सा एडवेंचरस भी था और कमर में थोड़ा पेन हो गया है क्योंकि आदत नहीं रही ना. पहले तो डेली बैठते थे तो मज़ा आता था, अब वो मज़ा तो है. अब जब 2-4 दिन चला रहे तो ठीक है, अब ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता क्योंकि वो बैक में पेन वगैरह होने लग गया. अब बॉडी का स्ट्रक्चर वैसे ही उस कंफर्ट जोन में चली जाती है ना, उसको दोबारा से या तो दोबारा से वैसे ही उस मोड में लाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा. एनीवेज चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड. होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने फ्रेंड्स फैमिली में प्लीज़ शेयर कर देना. दैट्स इट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय.